कलौंजी के बीज छोटे छोटे काले रंग के होते हैं। हम इसे काला जीरा, ब्लैक क्यूमिन, नाइजेला सीड्स और नाइजेला सटाइवा भी बोलते हैं। कलौंजी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। कलौंजी को कलयुग की संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे बहुत सी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कलौंजी खाने से सेहत को कौन कौन से फायदे होते हैं, किस तरीके से हम इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और किन लोगों को कलौंजी सीड्स नहीं खाने चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर परिवार। और चलिए पहले जानते हैं कलौंजी से मिलने वाले फायदों के बारे में। सबसे पहले ये मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे धीरे धीरे याददाश्त भी कमजोर होने लगती है और कुछ लोगों को तो अल्जाइमर यानी भूलने तक की बीमारी हो जाती है। ये प्रॉब्लम मेनली ओल्ड एज वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए अगर कलौंजी सीड्स को शहद के साथ मिलाकर खाया जाए तो इससे मेमोरी पावर इंक्रीज होती है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। फिर कलौंजी डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छी होती है। अगर हम नियमित तौर पर कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशली कलौंजी के ऑयल को ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अगर वो सुबह एम्प्टी स्टमक यानी सुबह खाली पेट ब्लैक टी में कलौंजी ऑयल की कुछ बूंदें डालकर लेते हैं तो इससे डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत फायदा मिलता है। फिर कलौंजी गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है। कलौंजी में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाते हैं। अगर एक दिन में 2 से 3 ग्राम कलौंजी को लगातार 1 से 3 महीने तक लिया जाए तो बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। फिर कलौंजी अस्थमा की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है, क्योंकि कलौंजी में थाइमोक्विनोन नाम का एक कंपाउंड होता है जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये कंपाउंड स्पेशली अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। अस्थमा के लिए आप 2 से 3 ग्राम कलौंजी को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। साथ ही आप कलौंजी सीड्स को पानी में डालकर इस पानी की स्टीम भी ले सकते हैं, इससे भी अस्थमा की प्रॉब्लम में बहुत फायदा मिलता है। फिर कलौंजी वेट लॉस में भी मदद करती है, क्योंकि कलौंजी में एंटी ओबेसिटी गुण होते हैं और साथ ही इसमें फाइबर होता है जो कि हमें ओवरवेट होने से बचाता है। वेट लॉस के लिए आप रात को 1 गिलास पानी में कलौंजी सीड्स को भिगोकर रख दें और फिर सुबह उस पानी के साथ ही कलौंजी सीड्स को पी लें, तो इससे आपको वेट लॉस में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आप दिन में 2 से 3 ग्राम कलौंजी को गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये स्पेशली बैली फैट को कम करने में मदद करता है। कलौंजी हमारी आईज के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कलौंजी का जो ऑयल होता है ये आईज से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। इस ऑयल में ओमेगा 6 लिनोलिनिक एसिड और ओमेगा 9 ऑलिक एसिड होते हैं जो कि इसे एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं। अगर आपकी आईज में से बार बार पानी आता है या आईज बहुत जल्दी रेड हो जाती हैं तो कलौंजी का सेवन करने से इस प्रॉब्लम में बहुत फायदा होता है। साथ ही इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए कलौंजी के ऑयल को डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। फिर कलौंजी बालों के लिए भी अच्छी होती है। बालों के लिए तो कलौंजी बेहद फायदेमंद है। अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, बालों को थिक और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कलौंजी उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आप कलौंजी को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें और फिर इस पाउडर को कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल किसी भी ऑयल में डालकर गैस पर 5 से 7 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद आप इस ऑयल को स्ट्रेन करके एक ग्लास बॉटल में डालकर रख लें और जब आप रेगुलरली इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बालों से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। अभी ये तो थे हमें कलौंजी खाने से और उसे इस्तेमाल करने से मिलने वाले सारे फायदे। अभी जानते हैं कि किन लोगों को कलौंजी नहीं खाने चाहिए। कलौंजी की तासीर गर्म होती है तो सबसे पहले तो प्रेग्नेंट वुमेन को कलौंजी नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, जिन लोगों की पित्त प्रवृत्ति होती है यानी जिनकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है तो उन्हें भी कलौंजी गर्म होने के कारण नहीं खाने चाहिए।
तीसरा, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है अभी या फिर किसी की कोई सर्जरी होने वाली है तो उन्हें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप कलौंजी के ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।